before haircut, you can see, and after. Wow, beautiful. Got my hair cut done by my beautiful girl Shama, and I really 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 love this. Thank you so much for coming. Bye-bye. And please subscribe her channel also, okay? Okay. Thank you so much for coming. Hey guys, once again welcome to Shyama's Makeover channel. और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ summer special haircut, easy feather with layer haircut tutorial, step by step. Make sure friends कि अगर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो सबसे पहले मेरे channel को subscribe कर लीजिएगा, share कीजिएगा अपने Facebook friends के साथ और लाइक भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा. और आज के जो ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगी कि इजी मेथड फॉर फेदर विद लेयर आप कैसे कर सकते हैं. बहुत ही आसान है ये ट्यूटोरियल और इतना खूबसूरत हेयर कट को आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं. जी हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को. और हाँ, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ. बहुत ही आसान है, मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल हेयर कट मैंने कैसे किया है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका साइड फ्रिंजेस भी है, साइड स्वाइप बैंग्स भी हैं और हल्का सा फेदर लुक दे रहा है फ्रंट में, जो इनके फेस फ्रेमिंग हो रहा है आप देख सकते हैं. और यही नहीं फ्रेंड्स, कि मैं आपको सिखाऊंगी कि बहुत ही आसान तरीका, कि कितना आसान है. आप भी बोलेंगे कि यार इतना ईजी ट्यूटोरियल हमें पहले क्यों नहीं देखा. तो चलिए शुरू करते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर करने के बाद मैंने वाइट शीट लगाई है और उसके बाद देखिए सेंटर प्रोफाइल सेक्शन कर रही हूँ. टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर तक के पार्टीशन को दो पार्टीशन में डिवाइड किया है और फ्रंट के बालों को यहाँ पे सेक्शन क्लिप से टक कर दूँगी अब मैं. देखिए बैक के बालों को कॉम कर रही हूँ, बैक के बालों को मैं यहाँ पर सेक्शन क्लिप से टक कर दूँगी. तो यहाँ पर ये मैंने सेक्शन क्लिप से टक कर दिया है. अब मैं आती हूँ फ्रंट सेक्शन में. तो देखिए हर बार की तरह इस बार भी मैं फ्रंट से शुरू कर रही हूँ. तो देखिए सेंटर प्रोफाइल सेक्शन से थोड़ा सा पतला सा सेक्शन लिया और लेने के बाद यहाँ पे आप देखिए मेरे क्लाइंट उनसे पूछा कि आपको कितना शॉर्ट चाहिए. सो जितना भी मेरी क्लाइंट ने बोला उसी के अकॉर्डिंग मैं इनके बालों को शॉर्ट कर रही हूँ. तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट कट नोज़ के पास ले जा कर कट किया है. अब मैं क्लाइंट के जो राइट साइड का सेक्शन है उसको काटूंगी. गाइडलाइन तो आपको पता ही है, गाइडलाइन तो हमें मिल चुका है, वो गाइडलाइन लेना है और राइट साइड के सारे बालों को स्टेप बाय स्टेप मैं कट करूंगी. गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, गाइडलाइन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो अब मैं कट करूंगी क्लाइंट का जो लेफ्ट साइड है वो. तो लेफ्ट साइड के जब मैं बालों को काट रही हूँ मेक श्योर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड जो मैं कट करूंगी उसका गाइडलाइन मुझे कहाँ से मिलेगा. जी हाँ, गाइडलाइन मैं ले रही हूँ राइट साइड के सेक्शन से. राइट साइड का जो सेक्शन है वहाँ से मैं गाइडलाइन ले रही हूँ और लेफ्ट के सारे बालों को कट करूँगी स्टेप बाय स्टेप. आप देखिए गाइडलाइन ले रही हूँ और काट रही हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा. तो अब मैं आती हूँ चेकिंग पे. अब मैं चेक कर रही हूँ दोनों साइड से, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है. देखिए दोनों साइड से इक्वल चेक करना है. तो मैं देखती हूँ कि जो क्लाइंट का राइट साइड है वो थोड़ा सा लंबा नज़र आ रहा है, हल्का सा अनइवन नज़र आ रहा है. दोबारा से यहाँ पे काट रही हूँ. तो आप देख सकते हैं इस सेक्शन को मैंने दोबारा से कट किया है. क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं कि एक ही बार कट करके आपका हो गया, दोबारा से आपने चेक ज़रूर करना है. तो अब मैं इनके बालों को क्या कर रही हूँ, देखिए दोनों साइड से जब इक्वल मैंने देखा कि चेकिंग कंप्लीट है, दोनों साइड से इक्वल है, जो फ्रंट के बाल इक्वल थे
मैंने देखा दोनों तरफ से, चेकिंग किया, दोनों तरफ से इक्वल हो गया। अब मैं बैक साइड के सारे बालों को कहाँ पे कट करूँगी बताइए? जी हाँ, फ्रंट में कट कर रही हूँ मैं, बैक साइड के सारे बालों को फ्रंट में कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं डायगनल सेक्शन ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले रही हूँ, फ्रंट से मुझे गाइडलाइन मिला है और बाकी सारे बालों को काट रही हूँ। कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स, देखिए। सो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जिस तरह से मैंने क्लाइंट के लेफ्ट साइड के बालों को कट किया है ना, इसी तरह राइट के बालों को काटना है और बैक से सारे बालों को लेके फ्रंट में काटना है। आप देख सकते हैं कि बैक के सारे बालों को फ्रंट में लाके कट कर रही हूँ। सो दोनों तरफ बेस कंप्लीट करने के बाद अब मैं बैक साइड के टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर के जितने भी बैक साइड के बाल हैं उसको मैं कट करूँगी 45 degree to 90 degree। जी हाँ, पहले 45 डिग्री किया, फिर थोड़ा उठाया और उठाने के बाद इसको मैं 90 डिग्री में कट करूँगी। सो इसी तरह बैक साइड के सारे बालों को आपने 45 डिग्री और 90 डिग्री कट करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बताना चाहती हूँ। जब भी कभी भी आपको हेयर कट करते हो, ध्यान रखिएगा पहले बॉटम लेयर्स दीजिएगा और उसके बाद टॉप लेयर्स दीजिएगा। एकदम से अगर आपने पहले टॉप लेयर दे दिया, शॉर्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, पीछे के भी बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं और पतले पतले लगते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बॉटम में पहले आपने कट करना है अच्छे से 45 डिग्री और 90 डिग्री और उसके बाद जाके आपने प्रॉपर तरीके से ऊपर का लेयर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखिए ये मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन लिया और उसके बाद थोड़े से वो वाले बाल लिए जो कटे हुए नहीं थे, दोनों बालों को मिलाया। देखिए यहाँ पे, तो पहले मैं काट रही हूँ 45 डिग्री में, फिर थोड़ा हल्का सा उठाया और उठाने के बाद इसको मैं कट करूँगी 90 डिग्री में। देखिए, राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। और अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी क्वेरीज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आई विल मेंशन माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लेयर्स और स्टेप्स में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, बात करते हैं स्टेप्स हेयर कट की। स्टेप हेयर कट पहले आप करते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री और उसके बाद 180 डिग्री ओवर डायरेक्शन होता है। स्टेप में जो है बॉटम जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आता है, राइट, उसकी जो लेयर्स है काफ़ी ब्लेंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं लेयर्स की, तो लेयर्स डू नॉट ब्लेंड्स, लेयर अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। और उसमें आप देख सकते हैं कि लेयर्स और स्टेप्स में यही डिफरेंस है कि स्टेप्स जो है आप बैक से शुरू कर सकते हैं, लेयर्स कोशिश कीजिएगा फ्रंट से शुरू करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। सो अभी मैं कट कर रही हूँ यू शेप, बैक से जो इनका यू है उसको शेप में दे रही हूँ। बैक में मैं इनको बेसिकली यू शेप क्रिएट कर रही हूँ, देखिए है ना, हल्का सा स्लांटिंग यू शेप क्रिएट करूँगी बैक से। आप देख सकते हैं ऑलरेडी कट करते हैं, जब आप दोनों साइड से वो यू शेप क्रिएट हो ही जाता है, बस मैं उसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ।
और अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं मेरा यू शेप का वीडियो देखना, इजी यू शेप आप कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी उसका ट्यूटोरियल में लिंक जो है मेंशन करूंगी, यूट्यूब के जो मेरा जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जाके आप सर्च कीजिएगा लिंक में, सबसे पहला वाला लिंक है वो यू शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये यू शेप। अब आगे चलते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ आगे, तो देख सकते हैं ये है टॉप सेक्शन, तो टॉप सेक्शन को मैं पहले कट कर रही हूँ 90 डिग्री में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दो पार्टीशन में डिवाइड किया है, ये देखिए फ्रंट के बालों को ट्विस्ट करके सेक्शन क्लिप से टक कर दिया और ये रहा मेरा गाइडलाइन। ये गाइडलाइन अब हमारा आता है, कौन सा सेक्शन है ये, जी हाँ ये है क्राउन सेक्शन। क्राउन सेक्शन में हल्का सा सेक्शन मैंने लिया और जो गाइडलाइन मुझे मिला था फ्रंट के बालों से टॉप सेक्शन से उसको दोनों को मिलाया, और मिलाने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से इसको मैं ऊपर उठा रही हूँ और 90 डिग्री में कट करूँगी। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। जो मेरा ट्यूटोरियल होता है, जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है लेकिन वेरिएशन हमेशा डिफरेंट आता है। यस फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ट्यूटोरियल सेम है लेकिन रिजल्ट्स जो है लेटर ऑन बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ये देखिए, ये है मेरा गाइडलाइन जो मैंने क्राउन सेक्शन से कट किया था, थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल बॉक्स बना रही हूँ और ये मैंने ले लिया है लोअर क्राउन सेक्शन और इसको भी उठा रही हूँ और उठाने के बाद इसको भी 90 डिग्री में कट करूँगी। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में दो पार्टीशन में डिवाइड किया, फ्रंट के बालों को सेक्शन क्लिप से ट्विस्ट करके आगे के बालों में टक कर दिया है और जो गाइडलाइन था उसको पीछे के बालों के साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा नेप एरिया सेक्शन, ठीक है, लोअर क्राउन से भी थोड़ा सा नीचे होता है इसको नेप एरिया, नेप एरिया से भी हल्का सा ऊपर आप बोल सकते हैं, ये देखिए है ना ऑक्सीपिटल बोन आप बोल सकते हैं, नेप एरिया के जो ऊपर है, ठीक है, नेप एरिया के ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ से मैंने थोड़ा सा बाल लिया है और उसको लेने के बाद मैं उसके पूरे बालों को, नीचे के बालों को वर्टिकल सेक्शन लिया और इसको देखिए यहाँ पे मैंने पहले जो मैंने कट किया था 45 डिग्री और 90 डिग्री उसको मैं चेक कर रही हूँ, क्रॉस चेकिंग कर रही हूँ, यहाँ पे क्रॉस चेकिंग करके हेयर कट कर रही हूँ। अब जो कटे हुए बाल हैं स्टेप बाय स्टेप सारे ट्विस्ट किए हुए सेक्शन को मैं ओपन कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए स्ट्रेट हेयर में लेयर्स कैसे विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लाइंट के बारे में, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरी क्लाइंट है इनका जो चिक्स है थोड़ा सा हैवी है, तो रियली वॉन्ट टू गिव हर फेस फ्रेमिंग हेयर कट, तो मैं यहाँ पर हल्के से जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, जी हाँ ड्राई हो गए थे, मैं इनको क्या कर रही हूँ, मैं इनको स्प्रे बॉटल से, पानी के स्प्रे बॉटल से गीला कर रही हूँ। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी क्लाइंट है इनके फेस, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि फेस जो है थोड़ा सा इनका जो चिक्स है थोड़ा सा हैवी है, तो मैं इसको फेस फ्रेमिंग देना चाहती हूँ कि जैसे फेस पे थोड़े से बाल गिरना चाहिए और गिरने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है और आप देखिए कैसे कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा टॉप सेक्शन, ठीक है, टॉप और क्राउन दोनों सेक्शन लिया है और थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है कि मैम आपको थोड़ा सा क्राउन में शॉट देना चाहती हूँ, जब वो फेस में फॉल करता है, जब वो गिरता है बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो शी इज़ अग्री एंड देन आई एम डूइंग हर गिविंग हर नाइस यू नो लेयर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं काट चुकी हूँ और उसके बाद दोबारा से आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा मैंने बाल लिया है और उनको काटूँगी, आप देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ऑलरेडी ये कट हो चुका है, दोबारा से कट कर रही हूँ, कैन सी मैंने 5 से 6 इंच बाल काट चुकी हूँ अभी क्राउन में, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, मैं इसको ब्लेंड करूँगी पूरे बालों में, तो अब जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी ना तो आप देख सकते हैं ऐसा रिजल्ट आने वाला है, यू कैन सी हियर, है ना ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना, तो यही रिज़ल्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए यही रिज़ल्ट आने वाला है इनके पूरे बालों में, देखिए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप सेक्शन कट किया है, एक क्राउन सेक्शन लिया है, याद है आपको, ये लेयर ऑलरेडी मैं काट चुकी हूँ, ये स्टेप आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, पर दोबारा क्यों कर रही हूँ, वही तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वही तो मैं समझा रही हूँ, यही तो टेक्निक है जो हम लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं कि एक ही चीज़ बार बार दिखा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एक बार मैं काट चुकी हूँ, दैट वन वॉज अ लॉन्ग लेयर, बट नाउ आई एम गिविंग हर अगेन शॉर्ट फ्रॉम क्राउन। मैं अभी इनको क्राउन से भी शॉर्ट करके थोड़ा सा बाउंस क्रिएट कर रही हूँ, तो यू कैन सी हियर। तो ये रहा मेरा लोअर क्राउन सेक्शन, और इसको देखिए यहाँ पे इतना इतना तीन तीन चार चार इंचेस दोबारा काट रही हूँ। आपको याद है ये ऑलरेडी काट चुकी थी। ऑफकोर्स जब आप एक बार टॉप सेक्शन कट करोगे, शॉर्ट करोगे, तो उसके साथ ब्लेंड तो करना ही है, ऐसे नहीं छोड़ना बिल्कुल भी फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लेंडिंग करने का तरीका वही है, सिमिलर है, ठीक है। आप देखिए ये रहा मेरा गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन को पीछे रखा, ठीक है, छोड़ दिया है, और इस गाइडलाइन को मैं दोनों सेक्शन में पीछे जो है ऑलरेडी कट किया था, उसको क्रॉस चेकिंग कर रही हूँ। जी हाँ, अभी टाइम है फ्रंट सेक्शन, तो मैं बताना चाहती हूँ इनके फ्रंट में आप करूंगी फ्रिंजेस, साइड स्वैप बैंक्स भी बोल सकते हैं, फ्रिंजेस बोल सकते हैं, फ्लिक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। देखिए ए सेक्शन बनाया और बैक के साइड के वालों को टक कर दिया है। मेरी जो क्लाइंट है अपने लेफ्ट साइड में रखती है, तो मैं पहले उसके ऑपोजिट साइड में ले जाके मैंने कट कर दिया है। अब मैं उनके बैक साइड में जाके खड़ी हूँ, और उसके बाद जो भी साइड वो रखती हैं उसी साइड में बालों को स्लांटिंग हल्का सा फ्रिंजेस मैंने फिनिशिंग दे दिया है। और यहाँ पे नाउ हेयर कट इज ऑलमोस्ट डन, टाइम फॉर ब्लो ड्राई। एंड आई एम हियर, आई एम यूजिंग डेनमिन ब्रशेस। जी हाँ, नाउ यू मीट माई असिस्टेंट, हिज नेम इज सुंदर। सो टुडे नॉट मी, माई असिस्टेंट, आई मीन ही इज अ जूनियर आर्टिस्ट, ही इज गोइंग टू शो अस हाउ टू डू ब्लो ड्राई, सेल्फ ब्लो ड्राई। यू कैन सी कितनी बढ़िया तरीके से ये सेल्फ ब्लो ड्राई कर रहा है। आप देख सकते हैं ये डेनमिन का मीडियम ब्रश है, कितनी खूबसूरत तरीके से। मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड, सुंदर जो है बहुत ही अच्छा ब्लो ड्राई करता है। सुंदर है, दीपू है, अनिल है, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी गुड इन अ ब्लो ड्राई। जी हाँ, आप देख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी, वाओ लवली, नॉट इवन दिस, लुक एट हियर, ब्यूटिफुल, अमेजिंग, नाइस। सो जी हाँ फ्रेंड्स, बताना चाहती हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ भी, वो लोग भी देखें इतना खूबसूरत ट्यूटोरियल। और अगर कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इसी तरह मैं हर दिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती हूँ, चाहे वो हेयर कट से रिलेटेड हो, चाहे मेकअप हो, स्टाइलिंग हो, कलर क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं मेकअप का वीडियो भी सर्च करना, टाइप कीजिएगा मेकअप बाय श्यामास मेकओवर। सो टिल देन, बाय गाइस, सी यू सून।